हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप कुमार पात्रा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा और मंदिरों के दर्शन करने के बाद अपने आप को आप धन्य बनाइए और भक्ति में खो जाइए। चलिए शुरू करते हैं उत्तर भारत के प्रसिद्ध 20 मंदिरों की यात्रा। नंबर 1 इज वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य की त्रिकुटा पहाड़िया में स्थित है। यह मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है जो देवी वैष्णो देवी को समर्पित है। वैष्णो माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों को पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्त जय माता दी के नारा लगाते हुए ये कठिन से कठिन चढ़ाई आसानी से चढ़ते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में माता वैष्णो देवी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। नंबर 2 मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर में स्थित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से वाराणसी शहर काशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है पूरे विश्व में। नंबर 3 मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल पहाड़ी पर अलकनंदा नदी के पास स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु का समर्पित है। ये मंदिर में भगवान विष्णु जी की बैठी हुई मुद्रा में भगवान विष्णु विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व और पवित्रता भक्तों को आकर्षित करती है। ये मंदिर सर्दी के मौसम में 6 महीने बंद रहता है। हर मनुष्य को अपने पाप से मुक्त होने के लिए भगवान बद्रीनाथ के शरण में जरूर जाना चाहिए। नंबर 4 मंदिर है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बना हुआ बर्फ का शिवलिंग के दर्शन आप कर सकेंगे। अमरनाथ गुफा पूरी दुनिया में स्थित भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर शहर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव की भक्तों के लिए प्रमुख पूजा स्थल है। नंबर 5 मंदिर है स्वर्ण मंदिर और गोल्डन टेम्पल। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। ये मंदिर हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अमृतसर शहर का ये स्वर्ण मंदिर केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का ऊपरी महल 500 किलो सोने से निर्मित है, इसलिए ये मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है पूरे विश्व में। ये मंदिर में आप जाएंगे तो यहाँ के लंगर का लुत्फ जरूर उठाएगा। मंदिर का शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। नंबर 6 मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर को वर्ष 2005 में खोला गया भक्तों के लिए। यह मंदिर में स्थित भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति बहुत ही विशाल है। आपको इस मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होगा। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और यह मंदिर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। ये मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का मज़ा आप उठा सकते हैं। ये मंदिर में आप भगवान स्वामीनारायण का जीवन काल के आध्यात्मिक दर्शन कर पाएंगे। नंबर 7 मंदिर है चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिला में स्थित है। चामुंडा देवी का ये मंदिर देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर को पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला से बनाया गया है। ऐसी मान्यता यहाँ है कि जो माँ चामुंडा देवी के दर्शन करता है उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। देवी की मूर्ति का चमक कोटि सूर्य के समान है। जय हो माँ चामुंडा देवी की। नंबर 8 मंदिर है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिला में स्थित है जो भगवान कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा बनाया गया है। प्रेम मंदिर में माता राधा और भगवान कृष्ण की मूर्ति देख के आप भक्ति में डूब जाएंगे। आप प्रेम मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन का बहुत सारे मूर्तियाँ देख पाएंगे।
और उनके जीवन के विभिन्न दृश्यों जैसे गोवर्धन भगवान अपनी उंगली पे उठाए हुए हैं ये भी देख पाएंगे। ये मंदिर की सुंदरता आपको आकर्षित करती है। नंबर 9 मंदिर है बाजारेश्वरी देवी मंदिर। बाजारेश्वरी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिला में स्थित है। बाजारेश्वरी मंदिर भारत के देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था वहाँ पर देवी का मंदिर बनाया गया है। बाजारेश्वरी देवी मंदिर में माता भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ के साथ विराजमान है। इस मंदिर का वर्णन दुर्गा स्तुति में किया गया है। नंबर 10 मंदिर है गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली का कन्नौट प्लेस के पास स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। ये गुरुद्वारा अपनी आकर्षक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये गुरुद्वारा के नाम सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब के नाम पर रखा गया है। ये भारत में सिख समुदाय के लिए सबसे प्रमुख पूजा स्थलों में से एक है। गुरुद्वारा बंगला साहिब एक बड़ा ऐतिहासिक सामाजिक महत्व है जिसका वजह से लोग बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। इस गुरुद्वारे का दर्शन करने के यात्रियों का एक शानदार अनुभव देता है क्योंकि इस परिसर में सुरक्षा और सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। ये गुरुद्वारे के रखरखाव के सारे कार्य स्वयंसेवक और भक्तों के द्वारा किया जाता है। नंबर 11 मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिला में स्थित है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लाखों भक्त हर दिन आते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के अपनी वास्तुकला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है जो भगवान द्वारिकाधीश जी की जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। नंबर 12 मंदिर है बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिला के वृंदावन शहर में स्थित है। बांके बिहारी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर देश का सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से है के यह मंदिर में आप श्री राधा वल्लभ जी श्री राधा गोविंद जी श्री गोविंद देव जी की मूर्तियों को दर्शन कर पाएंगे आप। यह मंदिर में गाय बछड़े के मूर्ति है जो ये अद्भुत है। बांके बिहारी मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण हर भक्त को आराध्य भगवान कृष्ण जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं भक्त यहाँ। ऐसी चमत्कार है इस मंदिर की। नंबर 13 मंदिर है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य का अयोध्या शहर में स्थित है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है ऐसा माना जाता है। ये मंदिर की 76 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद आप हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। हनुमानगढ़ी में स्थित भगवान हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही भक्त के सारे कष्ट हर लेते हैं भगवान हनुमान। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को कोई भी सच्चे दिल से मनोकामना करते हैं तो भगवान हनुमान उनकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। नंबर 14 मंदिर है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों हरिद्वार में स्थित है। भारत माता मंदिर की स्थापना स्वामी मित्रानंद महाराज जी ने किया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। इस मंदिर में भारत माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर 180 फीट ऊँचा है और 8 मंजिला है। भारत माता मंदिर उन सब देशभक्तों को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में प्रमुख योगदान दिया था। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं के मूर्ति की भी पूजा होती है। नंबर 15 मंदिर है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर में स्थित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 4 धाम में से एक धाम है। केदारनाथ धाम 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केदारनाथ धाम में भगवान शिव का लिंग दर्शन से भक्त की सारी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। नंबर 16 मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य का देहरादून जिले में बसा एक धार्मिक शहर है। यह मंदिर 13 मंजिला है। यह मंदिर में प्रमुख देवता भगवान शिव है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर
ऋषिकेश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जो कि लक्ष्मण झूला से दिखाई देता है। ये मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। नंबर 17 मंदिर है भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम की पत्थर की मूर्ति स्थापित है। 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है ये मंदिर। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति देखने के बाद आप भगवान की भक्ति में खो जाएंगे और अपने आप को भक्ति में डुबा देंगे। नंबर 18 मंदिर है कुंजापुरी मंदिर। कुंजापुरी मंदिर उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के अडली नामक स्थान पर हिंडोलखोल रोड पर स्थित है। कुंजापुरी मंदिर देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। ये स्थान पर देवी शक्ति के कुंज भाग गिरा था, जिस कारण इस स्थान का नाम कुंजपुरी पड़ा। नंबर 19वां मंदिर है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के नज़दीक पर स्थित है, जो भगवान राम माता सीता जी को समर्पित है। मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है, जिसे ऋषिकुंड भी कहते हैं। रघुनाथ मंदिर हिंदू भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, ऐसा माना जाता है। नंबर 20 मंदिर है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर ऋषिकेश में अधिक लोकप्रिय मंदिरों में से एक है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति की अद्भुत तेज है। यहाँ होने वाली गंगा आरती यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। भगवान हनुमान के दर्शन से भक्त के हर कष्ट निवारण करते हैं भगवान हनुमान जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर के दर्शन करवाए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।